नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि भ्रष्ट अफसरों के नाम बताओ, 1 लाख का इनाम पाओ। इधर रिश्वतखोरी के मामले में ग्वालियर नगर निगम के एक अधिकारी को लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि जब लोकतंत्र कमजोर होता है और व्यवस्था में गैर जवाबदेही बढ़ती है तो इसी तरह के मामले सामने आते हैं। भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा मिले, तभी बेईमानों के खौफ पैदा खत्म होगा। जांच पड़ताल की रस्म अदायगी से सार्थक परिणाम सामने नहीं आ सकते। रिश्वतखोरी सरकारी तंत्र की बड़ी विकृति बन चुकी है। कुछ चुनिंदा अधिकारी कर्मचारी हैं जो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं। रिश्वतखोरों, भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री का ऐलान के भ्रष्टाचार बताओ और 1 लाख का इनाम पाओ, मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऐलान का डर हमारे नौकरशाहों में नहीं है। ताजा मामले की बात करें तो ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर ने 5.5 लाख की रिश्वत बिल्डिंग परमिशन देने के बदले में मांगी। वहीं कटनी के एक SDO ने 50,000 की रिश्वत का मामला सामने आया। अपने विचार हमसे साझा करेंगे विचारक चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, क्या कहेंगे? देखिए, ये शायद कौटिल्य जी ने कहा था या किसने कहा है कि जब राजशाही या लोकतंत्र कमजोर होता है जी, तो नौकरशाही की स्थिति वो होती है कि तालाब में तैरती मछली ने तालाब का कितना जल पिया इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। इसी प्रकार सरकारी बजट में तैरते घूसखोर कारिंदे कितनी घूस खाएंगे इसको कोई तय नहीं कर सकता। बहुत जबरदस्त। सुनते थे रिश्वत होती थी, चाय पानी का खर्चा होता था 5-10 रुपए। 2-3 दशक पहले 50-100 रुपए पे चलने लगी बात। 1 दशक पहले 2000-5000 के किस्से सुने जाने लगे। लेकिन इस दशक में तो बात लाखों तक पहुंच गई। और हाल ही के 2 ताजा मामले 2 दिन के, सिटी प्लानर कोई बहुत सीनियर अधिकारी नहीं, कोई सीनियर IAS नहीं, कोई बहुत बड़ा पुलिस का अधिकारी नहीं, एक सिटी प्लानर नगर निगम का 5.5 लाख की घूस, 50 लाख मांग, 25 लाख में सौदा तय। मुझे तो ये लगता है कि घूस हो गई 5.5 लाख तो कैसे बचेगी सरकार की साख, ये विचार करने की आवश्यकता है। 2 दिन पूर्व RES के किसी तालाब की सिर्फ बिल बनाने में, पेमेंट कब होगा अलग बात है, 5 लाख के बिल बनाने में संबंधित SDO ने 50,000 की घूस मांगी और रिश्वत लेते हुए रगे हाथ पकड़े गए। 5.5 लाख वाले भी पकड़े गए। कहने का अर्थ यह है कि ये संकेत है इस बात के, चाहे राजशाही हो चाहे लोकतंत्र हो, सर इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जिन लोगों ने इन अधिकारियों को पकड़वाया है तो उन्हें क्या 1-1 लाख का इनाम मिलेगा? हमने इस विषय में पहले भी उठाया है जी। हमने तो उसमें ये कहा है जी कि भ्रष्ट सरकार ने घोषित किया है भ्रष्ट अधिकारी बताओ, 1 लाख का इनाम पाओ। बिल्कुल, हमने कहा है कि ईमानदार अधिकारी लाओ और 1 लाख का इनाम पाओ। धन्यवाद। समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नीमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.